नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, ये जानकारी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दी है। इधर मणिपुर मुद्दे पर मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में सांसदों ने सदन में नारेबाजी की और अध्यक्ष की असंधी के पास पहुंचकर इंडिया फॉर मणिपुर के पोस्टर दिखाए। उधर कार्रवाई पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। मणिपुर के मसले पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस और आप समेत विपक्षी दल स्थगन प्रस्ताव लाए थे। राज्यसभा तीसरी बार नारेबाजी के बीच शुरू हुई। 2 घंटे से ज्यादा समय तक कार्रवाई चली। इस दौरान संविधान, अनुसूचित जनजाति आदेश, 5वां संशोधन विधेयक 2022 पारित हुआ। कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई। शाम 5 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई। इस दौरान अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। शाह ने खेती किसानी और सहकारिता की बात की। विपक्ष ने मणिपुर शेम शेम, जवाब दो, वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। वहीं विपक्षी सांसद पोस्टर लेकर सदन में खड़े हुए तो शाह ने कहा कि और जोर से नारे लगाइए, आपको न दलितों में इंटरेस्ट है और न ही सहकारिता में, इसलिए नारेबाजी कर रहे हैं। शाह सदन में बयान देते रहे और विपक्षी सांसद शोर शराबा करते रहे। इधर शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को लेटर लिखकर कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए अनुकूल माहौल बनाइए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।